हाय व्यूअर्स, तो कहते हैं ना कि कुछ बातों की अकल या समझ जो है, चाहे आपको किसी ने कितनी भी वार्निंग्स क्यों ना दी हो, पर जब तक आप वो गलती करने ही लेते हो या वो एक्सपीरियंस से गुजरते नहीं हो, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो ऐसा ही कुछ बहुत ही एक मज़ेदार वाक्या हुआ मेरे साथ, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। हुआ ये कि वृंदावन में मुझे कई लोगों ने बोला था कि चश्मा हमेशा उतार के चलिए। वहाँ पर भी जब हम स्ट्रीट्स में घूम रहे थे तो सब ने मुझे वॉर्न किया कि मैडम चश्मा उतार के चलिए, और मैंने अपना चश्मा उतार के अपने बैग में रखे रखा बहुत अच्छे से, प्रॉम्प्टली एकदम आए। वहाँ बहुत पतली पतली सी गलियाँ हैं और ऑटो से ही जाना पड़ता है, वहाँ वो ई रिक्शा चलते हैं। तो एक ई रिक्शा जब हमने ले लिया तो वो बहुत अच्छे से वेल गार्डेड दिख रहा था चारों तरफ से और बहुत तेज़ी से भी चल रहा था। तो मुझे लगा कि अब यहाँ तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एक तो वैसे ही आईज बहुत कमज़ोर हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना चश्मा वहाँ पर पहनने की गलती कर ली। अब चश्मा पहन के बहुत मज़े से थोड़ी देर तक हम आगे निकले, और थोड़ी देर के बाद ही जो है एक पीछे से मंकी आया। ऑटो में पीछे ऐसे बार्स लगे हुए थे काफ़ी अच्छे से, और उसने बहुत स्ट्रैटेजी बनाई होगी ऑब्वियसली, वेरी इंटेलिजेंटली ही जस्ट केम एंड स्नैच्ड माय चश्मा। तो वो जो चश्मा मेरा स्नैच करके लेके गया, वो सनग्लासेस, ये दिखाती हूँ मैं आपको किस बुरी तरह से उसने चबाए हुए हैं और किस तरह से हमें वापस मिले। आप ये तो ये देखिए जो उसने मेरे चश्मे की हालत की है, हर तरफ से वो डंडियाँ अच्छे से ये देखिए चबा गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, फिर बैठे वो कुतर रहा था इस चश्मे को बड़े मज़े से ऊपर ले जाके, बहुत ही ऊपर एक छत पर। ये देखिए यहाँ से और भी इस तरह से छोटे छोटे कई पूरा डैमेज कर दिया चश्मा, स्क्रैचेज हैं इसमें, बट इंसिडेंटली बस कांच इसके ठीक है, तो मैं उनको चेंज करवा सकती हूँ। फिर बाद भी मुझे इमरजेंसी में ये काफ़ी काम तो आता रहा, दैट्स व्हाट आई वाज थैंकफुल अबाउट। तो गए, सुबह सुबह का वक्त था और इस चश्मे को वापस लेने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े। पहले तो उसको वहीं पे एक जलेबी और पूड़ियों वाला था, उसे पूड़ियाँ लेके फेंकी, जलेबियाँ फेंकी, बट ही वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, ही वुडेंट टेक एनी ऑफ दोज थिंग्स। वहाँ लोगों ने बताया कि ये फ्रूटी लिए बिना जो है ये नहीं मानते हैं मंकीज जो है यहाँ के, तो आप जाइए जल्दी से फ्रूटीज़ लेकर आइए, उसके बाद ये आप फ्रूटी फेंकेंगे तब ये वापस देगा आपका चश्मा। मतलब बहुत मुश्किल से एक दुकानदार था जिसका घर भी वहीं था, तो उसे दो फ्रूटी, मतलब उसे फ्रूटी मांगी तो उसने कहा नहीं मैडम, दो फ्रूटीज कम से कम लेके जाइए तब ये आपका चश्मा देगा, एक फ्रूटी से आपको चश्मा भी देने वाला नहीं है। सो आई बॉट टू फ्रूटीज, फिर उसको एक फ्रूटी दी तो सच में उसने चश्मा बिल्कुल नहीं फेंका, वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम। फिर जब दूसरी वाली फ्रूटी फेंकी तब उसने पहले वाली फ्रूटी कैच करके रख ली, फिर जब दूसरी फ्रूटी फेंकी देन ही थ्रू अवे द चश्मा। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ इन वृंदावन, Whenever you visit Vrindavan, इस चीज़ से जो है आप मेरी गलती से आप सबक सीखिए कि कहीं चलती ऑटो में या रिक्शा में भी चश्मा नहीं पहनना है, अगर आप पहनेंगे तो मंकी ज़रूर ले जाएगा। और एक लेडी वहाँ खड़ी होकर बहुत बेचारी रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसका 1.5 लाख का मोबाइल लेकर चला गया था वो मंकी ऐसे ही, और वो मोबाइल तो काफ़ी देर तक भी मिला ही नहीं। ये इंसिडेंट हमारे जाने से थोड़ा पहले ही हुआ था, एंड आई सॉ दैट गर्ल क्राइंग देयर। तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स सिर्फ इसीलिए मिस कर दी और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कैप्चर कर दें क्योंकि मंकीज़ बहुत थे, और मंकीज़ जो है हर चीज़ जो है आपके हाथ से छुड़ा के भाग जाते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, वृंदावन वैसे बहुत खूबसूरत है, जाइए इंजॉय कीजिए, बट बी केयरफुल। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।